वेलकम बैक टू माय चैनल हाईटेक ट्यूटोरियल। आप ऊपर टॉपिक देख रहे हो, आज का टॉपिक है स्क्वायर ऑफ थ्री डिजिट नंबर। तो जितने भी भाई मेरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है ये वीडियो, क्योंकि बिल्कुल शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम में स्क्वायर ऑफ थ्री डिजिट नंबर निकाल के उनके सामने दिखाया जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम सिंपल नंबर से शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 111, इसका स्क्वायर हम निकालेंगे। सिंपली अगर हम यहाँ पर स्क्वायर निकालने जाएं तो हमें इसको दो बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। बट हम सिंपल वे में कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले हमें तीन स्पेस यहाँ पर बनानी है। और एक चीज़ याद रखनी है, तीनों स्पेस में अपने पास जो है वो दो दो डिजिट आएंगे, यानी कि दो डिजिट यहाँ पे, दो यहाँ पे, दो यहाँ पे। अगर कहीं पे तीन आ जाते हैं तो नेक्स्ट में कैरी कर देना है, सिंपली नेक्स्ट में कैरी कर देना है। सबसे पहले आपको इस वन का स्क्वायर करना है, हमें पेयर बना लेने हैं, ये दो का पेयर और ये वन रहेगा ऐसे ही। उसके बाद देखिए वन का स्क्वायर करेंगे हम तो वन का स्क्वायर हमारे पास वन ही आएगा। जब हम इलेवन का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 121। तो 21 यहाँ पे लिख देंगे और 1 जो है हम अगले नंबर पे कैरी कर देंगे। उसके बाद क्या करना है, हमें 1 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी ये जो पेयर हैं आपस में मल्टीप्लाई करके, और क्योंकि स्क्वायर है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। 11 1 11 2 22, ये 22 हमें यहाँ पर लिख देना है। और जब प्लस करके रिजल्ट हम निकालेंगे, देखिए यहाँ पर 21 213 2 एंड 1, यानी कि हमारे पास नंबर आया है 12321, जो 111 का स्क्वायर है। चलिए नेक्स्ट नंबर की तरफ। बहुत ही सिंपल वे में हम आपको समझाएंगे 232 का स्क्वायर। यहाँ पर भी हमें तीन ही स्पेस क्रिएट करनी है। सबसे पहले हमें पेयर बना लेने हैं 3 2 और 2, 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, 32 का स्क्वायर। अब 32 का स्क्वायर निकालने के लिए, यानी कि 32 को 2 बार मल्टीप्लाई करने के लिए, हमने एक वीडियो आपको पहले भी बना के दिखाई थी मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिजिट नंबर, तो आप वो देख सकते हैं और बिल्कुल आसानी से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर आपको दिखाते हैं 32 मल्टीप्लाई 32 करना क्या है। 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर भी हमें तीन स्पेस बना लेनी है, 339, 2 को 2 के साथ 4। उसके बाद हमें बाहर वाले को बाहर वाले के साथ 326, अंदर वाले को अंदर वाले के साथ 6 236 6 6 12, 2 यहाँ पर 1 कैरी, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 2 4। 10 2 4 जो है वो हमें क्या करना है, हमें 10 2 4 नंबर जो हमारे पास आया है, हमें 2 4 तो यहाँ पे लिख देना है, 10 जो है अगले नंबर पे कैरी कर देना है। अब हमारा ये वाला स्टेप जो है यहाँ पर भी दोहराएंगे हम, तो यानी कि पेयर को मल्टीप्लाई करके और स्क्वायर के साथ भी मल्टीप्लाई कर लेना है। 232 64 मल्टीप्लाई 2, वी गेट 128। 28 यहाँ पे लिखेंगे और 1 आगे कैरी कर देंगे। तो चलिए अब इसको प्लस करके देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। 248 213 415, तो ये रहा स्क्वायर ऑफ 232। बिल्कुल सिंपल वे में हमने इन दोनों का स्क्वायर आपके सामने निकाल दिया है। तो चलिए एक और नंबर का हम स्क्वायर निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए 533 मल्टीप्लाई बाय 533, थोड़ा सा बड़ा नंबर है, स्क्वायर लिख लीजिए या आप मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, और 533 का स्क्वायर। फिर से आपको तीन ही स्पेस बनानी है, 1 2 3। 5 का पेयर बना लेंगे, 33 और 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा। अब 33 का स्क्वायर करेंगे कैसे, हम यहाँ पर देखिए 33 मल्टीप्लाई बाय 33, तीन स्पेस बना ली, 339 339, बाहर वाले के साथ बाहर वाला 339 9 9 18, यानी कि 8 इधर 1 यहाँ पर, तो हमारे पास आ जाएगा 1089। तो 89 यहाँ पे लिखेंगे और 10 आगे कैरी कर देंगे। अब पेयर्स को मल्टीप्लाई करने का टाइम आ चुका है, 5 मल्टीप्लाई 33 मल्टीप्लाई 2 5 मल्टीप्लाई 33 मल्टीप्लाई 2, 5 मल्टीप्लाई 2 10 10 मल्टीप्लाई 33, वी गेट 330।
30 यहाँ पे लिख देंगे और 3 जो है वह यहाँ पर कैरी कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए रिजल्ट 8903145382। तो यानी कि 533 का स्क्वायर करके हमारे पास नंबर क्या आता है 284089। आप ये सारे चेक भी कर सकते हो और ऐसे ही आगे जो है आप ट्राई भी कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। अगली वीडियो के लिए वेट करिए। टिल देन, गुड बाय।